नमस्कार, टॉप नाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कुर्स्क की तर्ज पर यूक्रेन के सैनिक अब बेलगोरोद में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बात करेंगे कि क्या यूक्रेन बेलगोरोद में एक और कुर्स्क करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि रूस ने अपने 90% विमानों को दूसरी जगहों पर क्यों भेजा और लावरोव ने क्यों कहा कि पश्चिमी देश आग से खेल रहे। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव पर एक बार फिर हमला किया। हमले में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्पेशल ऑपरेशन ने ड्रोन के जरिए ये अटैक किया। हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। ये दावा कीव इंडिपेंडेंट मीडिया संगठन ने किया है। यूक्रेन ने पश्चिम देशों से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ शुरू कर दिया है। ये दावा राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है। जेलेंस्की ने कहा कि F-16 विमानों ने कई रूसी मिसाइलें मार गिराई हैं। यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन की 28वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने क्रामातोर्स्क में सुखोई-25 को तबाह कर दिया। विमान के क्रू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। साउथ यूक्रेन के खेरसोन में रूस ने एक आवासीय बिल्डिंग पर शेलिंग की। बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। मकान में एक महिला फंस गई थी जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। यूक्रेन की इमरजेंसी सेवा ने ये जानकारी दी है। कुर्स्क की सीमा पर रूस ने यूक्रेनी सैन्य वाहन पर ड्रोन अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेन का आर्म्ड वाहन तबाह हुआ है। ये हमला उस समय हुआ जब वाहन छिपने की कोशिश करा था, लेकिन ड्रोन के सटीक हमले में नष्ट हो गया। रूस ने अपने 90% लड़ाकू विमानों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। ये फैसला यूक्रेन के ATACMS यानी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए किया गया है। यूक्रेन ATACMS से रूसी बेस पर हमला करना चाहता है। हालांकि अमेरिका और पश्चिम देशों ने इस सिस्टम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखी है। कुर्स्क की तरह बेलगोरोद से भी यूक्रेन की सेना घुसने की कोशिश कर रही है। ये दावा बेलगोरोद के गवर्नर ने किया है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के 200 सैनिकों ने बेलगोरोद में घुसने की कोशिश की जिसे नाकाम किया गया। युद्ध के बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने अपनी पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले को लेकर रूस ने पश्चिमी देशों पर कड़ी नाराजगी जताई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी देश आग से खेल रहे हैं। तीसरा विश्व युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा।